हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल साइड प्लेटेड कुर्ती। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 मीटर फैब्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है और मैंने इसे पहले कट कर लिया है। मैंने यहाँ इसका फुल लेंथ रखा है 15 इंच और इसकी विड्थ जो है वो 12 इंच की है और मैं चेस्ट साइज़ 40 के लिए ये कुर्ती बना रही हूँ। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है इसका शोल्डर। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने यहाँ लिया है 6.5 इंच। इसके बाद हमें इस दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है। इसके बाद हमें लेना है चेस्ट का 1/4, तो वो हो जाएगा 10 प्लस 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12 इंच। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच इसमें भी हम मार्जिन रख लेंगे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे इसको। और इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है। इसके बाद हम करेंगे नेक की मार्किंग। आप नेक अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना बड़ा गला चाहिए या फिर छोटा चाहिए उस हिसाब से। मैं यहाँ नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच ले रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 3 इंच ही रखूँगी। मैं लगभग फ्रंट और बैक में सेम ही गला रखूँगी। आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। इसके बाद हम यहाँ पर 1-1 इंच पर गुलाई दे देंगे पहले हम। इसके बाद हमें आर्म होल की भी गुलाई इसी तरह से दे देनी है। तो जो हमारा बैक आर्म होल रहेगा उससे फ्रंट वाला 1/2 इंच अंदर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को। इस तरह से हमें बैक और फ्रंट के लिए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें कमर के साइड में 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर और उसके बाद हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, मिला देना है सामने की तरफ। इस तरह से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे और इसके बाद हमें इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। अब हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है टॉप पार्ट की। तो इसमें से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम हटा के रख लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे इसकी थोड़ी सी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारे आर्म होल की कटिंग हमें इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद हमारी यहाँ टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब इसे हम हटाकर साइड में रख लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो मैंने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और इसकी जो विड्थ है वो 10 इंचेस है और इसकी लेंथ है 17 इंच। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है मेज़र करके। और स्लीव्स का जो राउंड है इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हमें स्लीव्स की जो गोलाई है बाजू की हमारी वहाँ हम 7 इंच पे मार्क करके और स्लीव्स की कटिंग इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स को ओपन करना है और फ्रंट पार्ट में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद हमें बॉटम के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। मैंने यहाँ 2 फोल्ड में कपड़ा लिया है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 34 इंचेस है और इसकी लेंथ है 66 इंचेस। अब हमें इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इसी के साथ हमें टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखना है और हमें 3 इंचेस पे
बॉटम पे और टॉप पार्ट पे हमें मार्क कर लेना है और इस पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद हमें साइड से इसकी प्लेटें इस तरह से लगानी है जिस तरह से मैं यहाँ लगा रही हूँ। इस तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है साइड में। इसके बाद हमें टॉप और बॉटम को इस तरह से खोलकर रख लेना है और इसके बाद हमें इसको बीच सेंटर में जहाँ हमने कट लगाया था उसके बीचों बीच हमें इस तरह से बिछाना है और उसके बाद हमें साइड में इस तरह से प्लेटें लगा लेनी है और इसके बाद हमें स्टिच कर देना है दोनों को, दोनों पार्ट्स को। और इसके बाद इस तरह से हमें गले भी बना लेने हैं और दोनों पार्ट्स को अटैच कर देना है। मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। उसके बाद हम कर लेंगे शोल्डर को जॉइंट और उसके बाद हमें करना है स्लीव्स को भी जॉइंट इसी के साथ। और उसके बाद जिस तरह से हम कुर्ती स्टिच करते हैं हमें सिंपली उसी तरह से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती हो गई है तैयार इस तरह से बनकर। इस तरह से घर पे आप बहुत ही आसानी से कुर्ती स्टिच कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।